एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, फिर देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में और फिर देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। मुख्य मुख्य तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें देखने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि 10 दिन में हमें ख़त्म करनी है पॉलिटी, उसके अगले 10 दिन में हम लोग ख़त्म करेंगे हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी और उसके बाद जो बच गया पोर्शन वो साइंस। तो कुछ लोगों ने कहा सर आपने एनवायरमेंट नहीं बोला, आपने करंट अफेयर नहीं बोला। करंट अफेयर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मैं वीडियो डाल दूंगा कल, मोस्ट प्रोबली कल या परसों तक मैं वीडियो डाल दूंगा बना के। बाकी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के साथ में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वह जल्दी करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं किसी प्रकार के नोट्स आपको नहीं दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आपको कान में अपने लीड लगा के धीमे धीमे सुनते रहना है। जो आपको देखिए सबसे मैं अति महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो आएगा ही आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस कान में लीड लगाइए और सुनते रहिए, और साथ में अगर जैसे ही लगे आपको इंपॉर्टेंट है लिख लीजिएगा, तुरंत लिख लीजिएगा। देखिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के संबंध में आपको जो मुख्य बातें याद करनी है वह है, राष्ट्रपति के संबंध में मुख्य बातें क्या है। सबसे मुख्य बात तो ये पूछी जाती है कि भारत में राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है जो जनरली याद रह जाती है, शॉर्ट ट्रिक है पी मटर, पी डबल ई एम टी आर। अगर आपसे मैं बोलूं पी मटर का मतलब क्या है, पी मटर का मतलब पी ई ए का मतलब होता है मटर, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख दी पी मटर, आखिरी में लिख दीजिए 60-61। क्या है ये सारे के सारे आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित। महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन से, पी से मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 52। इसके बाद अनुच्छेद 53 कहता है ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, या फिर मैं कह दूँ कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की। ई से मतलब है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव। एम का मतलब होता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। टी का मतलब होता है टेन्योर, का मतलब कार्यकाल। आर का मतलब होता है री इलेक्शन, का मतलब पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का। आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल 61 में लिखा है राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर से बोल रहा हूँ आर्टिकल 52-53, ये देखिए पी का मतलब 52, इसका मतलब ई का मतलब 53, अगले ई का मतलब 54, एम का मतलब 55, टी का मतलब 56, आर का मतलब 57, 58-59 इंपॉर्टेंट नहीं, 60-61 इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ कहाँ लिखी हुई है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में लिखी है, और भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, जिसे हम लोग इम्पीचमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण पॉइंट पता लग गया कि आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति देयर शैल बी अ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जिसकी नियुक्ति कैसे करेंगे, जिसकी नियुक्ति का मतलब क्या हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जाते हैं, तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने नहीं जाते। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट होता तो हम उसमें वोट करने जाते। तो आप कहोगे ये तो अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान बताइए, तो मैं आपको पूरा ज्ञान देता हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब सिंपल सी बात है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो आपको सीधा से याद रखना है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MP प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA मतलब विधायक, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, या फिर मैं एक शब्द में बोल दूं तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित लोग तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित लोग तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित लोग भाग लेते हैं। इसका मतलब कहीं पर भी मैंने नहीं बोला, बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ निर्वाचित, निर्वाचित का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड का मतलब चुने हुए लोग। क्या मैंने यहाँ पर कहीं पर भी बोला कि मनोनीत लोग भाग लेंगे, नॉमिनेटेड लोग भाग लेंगे, ऐसा कहीं बोला मैंने? तो आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत लोग, नॉमिनेटेड लोग भाग नहीं लेते। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं लेते, तो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको चुनता, राष्ट्रपति ही इनका मनोनयन करता है, नॉमिनेशन राष्ट्रपति करता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता है, लेकिन हाँ 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह 2 लोग अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाएंगे, क्योंकि 104 संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि अब यह
मतलब जो मनोनयन है राष्ट्रपति के द्वारा उसे समाप्त किया जाता है, क्योंकि एडिक्वेट मतलब सही मात्रा में आंग्ल भारतीय संसद के अंदर उपस्थित हैं का मतलब अब रिप्रेजेंटेटिव उनके प्रतिनिधित्व तो आ रहे हैं संसद के अंदर, इससे पहले नहीं आ रहे थे, इसलिए दो लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था लोकसभा के अंदर, और ऐसा लिखा हुआ था आर्टिकल 331 में। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, किन आधारों पर मनोनीत करता है, तो हमें नहीं ले सकता, आपको नहीं ले सकता। राष्ट्रपति किन आधारों पर मनोनयन करता है, राष्ट्रपति मनोनयन करता है किन आधारों पर, राष्ट्रपति मनोनयन करता है लास के आधार पर, LASS। लास क्या है, ये लास का मतलब है लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस का मतलब साहित्य में अगर व्यक्ति परिपक्व है, कला में परिपक्व है, विज्ञान में परिपक्व है और सामाजिक सेवा में परिपक्व है, तो उन इस तरह के व्यक्तियों को जो बहुत ज़्यादा इन सब क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, बहुत उनकी ख्याति है, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है और इनकी संख्या 12 होगी। तो आप कहेंगे सचिन कैसे नॉमिनेट कर दिया, स्पोर्ट्स तो इसमें लिखा नहीं, खेल तो लिखा नहीं है, सचिन को कैसे नॉमिनेट किया, तो मैं बोलूंगा सचिन को नॉमिनेट किया गया है कला के अंतर्गत, खेलना एक कला है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का हमें पता लग गया कि राष्ट्रपति मनोनयन करता है, मनोनीत करता है 12 लोगों को राज्यसभा में, दो लोगों को लोकसभा में करता था लेकिन अब नहीं करेगा। वैसे याद रखिए कि अनुच्छेद 331। तो हमने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में देख लिया, कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं MP, सभी निर्वाचित सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के, इसके अतिरिक्त विधानसभाओं के सभी निर्वाचित लोग, इसके अतिरिक्त दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित लोग। साथ में आपको याद रखना है कि विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। साथ में याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि विधानसभा ही दो केंद्र शासित प्रदेशों के पास है, वहीं के लोग पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, बाकी किसी भी जगह के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप कहेंगे विधान परिषद के लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, क्योंकि आपको प्री पॉइंट के हिसाब से पढ़ाई करनी है, जितना महत्वपूर्ण चीजें वो सब मैं बताता चला जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट एकदम कवर हो चुका है। दूसरा पॉइंट है शपथ कौन दिलाता है। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं उपस्थित है उस दशा में सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, भारत के उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। बात खत्म हो गई। अगला देखिए क्या, आप बोलेंगे सर क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यताएं क्या है, तो मैं कहूंगा इनकी योग्यताएं हैं, पहली वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसने 35 साल की उम्र पूर्ण कर ली हो, पूर्ण कर ली हो का मतलब 35 साल कंप्लीट कर चुका हो, तीसरी 35 साल कंप्लीट का मतलब वह कम से कम 35 साल का हो, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, इसका मतलब अगर आप कहोगे 34 साल 11 महीने 29 दिन तब भी वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसे 35 साल का तो होना ही होगा, ठीक है। साथ में क्या बोलना है उसको, कि वह किसी लाभ के पद पे ना हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और साथ में आपको याद रखना है कि वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी होगी। योग्यता रखनी होगी का मतलब वह लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, योग्य हो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक, सिंपल सी बात। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है उनका इंपीचमेंट कैसे होता है, महाभियोग कैसे चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति के इंपीचमेंट की शर्तें क्या हैं, आपको याद रखना है अनुच्छेद 61 में लिखा है राष्ट्रपति के इंपीचमेंट की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति का इंपीचमेंट शक्ति कह रहा हूं कि राष्ट्रपति का इंपीचमेंट किस प्रकार होगा, यह अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ, ठीक। इससे पहले याद रखना है कि ओथ का कौन सा आर्टिकल है, तो ओथ का आर्टिकल है आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ लिखी हुई है, मतलब राष्ट्रपति की शपथ की बात आर्टिकल 60 में की गई है, और मैं कह रहा हूं आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है, इसका मतलब शेड्यूल 3 जो कहता है TEA अफर्मेशन की बात करता है, शेड्यूल 3 अफर्मेशन और ओथ की बात करता है, तो याद रखिएगा अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि वह तो आर्टिकल 60 में लिखी हुई है, ठीक है, इस चीज को याद रखना आप, क्योंकि क्वेश्चन घुमाता है बहुत ज्यादा। तो ये हमने देख लिया राष्ट्रपति की शपथ, इंपीचमेंट हम देख रहे थे। तो राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होगा, तो आर्टिकल 61 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किन आधारों पर होगा, राष्ट्रपति का महाभियोग होगा अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए या उसका महाभियोग चलाने के लिए पहली शर्त है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। आप मुझसे पूछेंगे सर संविधान का उल्लंघन क्या होता है, तो मैं आपसे कहूँगा मुझे संविधान का उल्लंघन नहीं आता। आप कहेंगे क्यों नहीं आता, तो मैं आपसे कहूँगा क्योंकि संविधान का उल्लंघन का वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हमें मिला ही नहीं। कोई भी अनुच्छेद इसका वर्णन नहीं करता, तो मैं आपसे को कहां से बता दूं। तो आप कहेंगे आगे की प्रक्रिया बताइए, तो मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूं। मैंने आपसे बोला कि संविधान का उल्लंघन करेगा तो राष्ट्रपति का महाभियोग हो सकता है। नंबर टू कंडीशन है कि यह महाभियोग किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा में और चाहे तो राज्यसभा में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। चाहे तो इसे लोकसभा से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे तो इसको राज्यसभा से स्टार्ट कर दीजिए। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि यह इम्पीचमेंट महाभियोग का प्रस्ताव 1/4 सदस्यों के द्वारा सदा साइन किया जाएगा, और उसके उपरांत जिस हाउस में है उस हाउस के 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन किया जाएगा, और इसके उपरांत 14 दिन का पूर्व नोटिस राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये कहते हुए कि आपको पद से हटाने की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की प्रोसेस की प्रक्रिया का पहला पद संविधान का उल्लंघन, दूसरा पद जिस हाउस में आएगा उस हाउस के 1/4 लोग, टोटल स्ट्रेंथ के 1/4 लोग साइन करके यह प्रस्ताव 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को भेज देंगे, और उसके बाद इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। एक हाउस में 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से पास होने के बाद, फिर से बोल रहा हूँ, एक हाउस में स्पेशल मेजोरिटी क्या है, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से पास होने के बाद यह जाएगी अगले हाउस में, अगले सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने की अनुमति है। वह अपने बारे में चीज़ों को बता सकता है कि सर हमको मतलब हम दोषी नहीं हैं, हम निर्दोष हैं। और उसके उपरांत अगर उस दूसरे हाउस में भी 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। यह इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहती है। बस इतना आपको ध्यान पर रखना है कि इस महाभियोग के प्रक्रिया के दौरान कौन कौन लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, तो संसद के सभी लोग, सभी का मतलब होता है चुने हुए भी और नॉमिनेटेड भी। संसद के सभी लोग का मतलब इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, मनोनीत भी और चयन निर्वाचित, यह दोनों तरह के लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे। इसका मतलब मैंने कहीं पर भी नहीं बोला विधानसभा के लोग, मैंने कहीं पर भी नहीं लगा दिल्ली और पौंडीचेरी के लोग, विधान परिषद के लोग। इसका मतलब जब चयन करना था, जब निर्वाचन करना था राष्ट्रपति का, तब विधानसभा के एमएलए भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, संसद के निर्वाचित एमपी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, दिल्ली पौंडीचेरी के निर्वाचित एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इनके महाभियोग की बात करी तो मैंने आपसे कहा कि महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति के महाभियोग में कोई भी मतलब ना तो दिल्ली का ना पौंडीचेरी का ना ही विधानसभाओं के एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन भाग करेगा, संसद के सभी लोग का मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। लेकिन कहाँ के, तो आंसर है संसद के। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें होगी नहीं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको ओथ बता दी, मैंने आपको इम्पीचमेंट बता दिया, मैंने आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल का तरीका बता दिया। एक चीज़ और याद रखनी है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो मैं आपसे कहूँगा राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरण पद्धति के द्वारा होता है। क्या होती है पद्धति, आपको प्री के लिए नहीं समझनी, बस याद रखिए इनका चुनाव कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरण की पद्धति के अनुसार इनका चुनाव होता है। मतलब इनडायरेक्ट चुनाव है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, सीक्रेट बैलेट, ओपन बैलेट नहीं है, सीक्रेट बैलेट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो हमने आपको राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल ये बता दिया, उनका चुनाव बता दिया, उनका ओथ बता दिया, उनका मैंने आपको इम्पीचमेंट बता दिया। अब आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी दिक्कत होगी तो कौन लोग इसमें जुरिस्डिक्शन, किसको कौन रूल करेगा, कौन इसका मतलब निर्णय कौन देगा। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई भी मतभेद होगा तो उच्चतम न्यायालय इन मतभेदों को सुलझाने का हक रखता है, और किसी भी न्यायालय के पास इस मुद्दे को सुलझाने का हक नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, उन दशाओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आप बोलोगे साहब सर एक बात बताओ, उपराष्ट्रपति भी उस टाइम पे नहीं है तब क्या करेंगे, तो मैं कहूँगा अगर उपराष्ट्रपति भी उस वक्त में अवेलेबल नहीं है तो उस दशा में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आप कहोगे सीजेआई भी नहीं है,
तो मैं कहूँगा कि उच्चतम न्यायालय का सबसे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा। आप कहोगे वो भी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि क्या 33 जजों को मार दोगे क्या एक साथ? अगर एक मर गया तो कोई ना कोई तो वरिष्ठ बैठा होगा ना ऊपर, समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसका मतलब राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उस पद को सुशोभित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जाकिर हुसैन जी की 1969 में मृत्यु हुई, उस वक्त वीबी गिरी ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, ठीक है? तो इसका मतलब अगर राष्ट्रपति मर गया तो उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करता है, अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय में नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुशोभित करता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको सुशोभित करता है, ठीक है? सिंपल सी बात हो गई एकदम। तो ये प्रक्रिया हो गई, बस एक शर्त साथ में जोड़ दी गई कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करता है तो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव 6 माह के अंदर कराने पड़ेंगे, विद इन 6 मंथ चुनाव होना चाहिए। ये प्रक्रिया में लिखा हुआ है कि विद इन 6 मंथ चुनाव होना चाहिए, अगर 6 माह के अंदर चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि राज्य का मुखिया है और राज्य के मुखिया का पद खाली नहीं हो सकता, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक तो हुई नहीं होगी। अब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी शक्ति है? अध्यादेश लाने की शक्ति, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 123 आर्टिकल डिंग डोंग डिंग, अनुच्छेद 123 है अध्यादेश लाने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अगर संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो, और अगर संसद का कोई भी एक सत्र ना चल रहा हो, का मतलब लोकसभा ना चल रही हो अथवा राज्यसभा ना चल रही हो, उन दशाओं में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, और इसका अनुच्छेद है 123, ठीक? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 143, आई लव यू आर्टिकल क्या है ये? आई लव यू आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट लव्स सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से प्यार करता है। कैसे प्यार करता है? इसका मतलब है अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विचार विमर्श कर सकता है, कानूनी सलाह लेने का उसे अधिकार है, यह है 143 आर्टिकल, ठीक? इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह वित्तीय आयोग का गठन करे, आर्टिकल 280 में लिखा है फिनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग, फिनेंस कमीशन, तो राष्ट्रपति इस वित्तीय आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 कहता है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, आपको याद रखना है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं हम लोग एकदम। इसके अलावा आपको याद रखना है आर्टिकल 338 क्या है, SC ST कमीशन का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और साथ में याद रखिए कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा, पार्डन करने की शक्ति रखता है। पार्डन का मतलब क्षमा कर सकता है, और पार्डन का मतलब है कि वह हर तरह के कन्विक्शन से, हर तरह के अपराध से वह मुक्त हो जाएगा, मानो कि उसके ऊपर कोई भी चार्जशीट लगी नहीं कभी जीवन में। यह पार्डन का मीनिंग है राष्ट्रपति के। तो आपको याद रखना कि राष्ट्रपति पार्डन का प्रयोग कर सकता है, क्षमादान का प्रयोग कर सकता है, और ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 72 में। देखिए RO के पेपर में और BO के पेपर में इससे आगे बढ़ेगा नहीं, तो आप परेशान मत होइएगा, मैं एकदम वह बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ जो BE और RO पूछेगा। क्षमादान शक्ति कहाँ पर दी हुई है? आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की दी हुई है, जो कि उसकी एक न्यायिक जुडिशियल पावर है, ठीक है? या फिर उसको पार्डनिंग पावर है, लोग की पार्डन पावर कहते हैं, उसकी पार्डन पावर है वो। तो ये आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ये पार्डन पावर भी हो सकती है उसकी, ठीक है? इसके अलावा आपको पता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, ये आपको पता होगा। आपको सर्च करना है कि किस आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होगा तीनों सेनाओं का। मुझे आंसर बताइए कमेंट में, किन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ है, ऐसा कहाँ पर वर्णित, कहाँ का वर्णित है भी कि नहीं है, ठीक है? तो राष्ट्रपति के बारे में जो मुख्य मुख्य तथ्य थे मैंने आपको बता दिए, साथ में आपको फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट ये कि पहला इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन था, तो उसका नाम था वी गिरी, यह इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे। पहला अनअपोज्ड राष्ट्रपति कौन था, उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी, जो कि लोकसभा के 2 बार स्पीकर रह चुके थे, याद रखिएगा, लोकसभा के 2 बार स्पीकर रह चुके थे, और नीलम संजीव रेड्डी ने भी राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया, और यह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। निर्विरोध राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति को फिलोसफर किंग, दर्शन शास्त्र का राजा कहा गया, तो आपको याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फिलोसफर किंग का दर्जा दिया गया, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये भी याद रखना पड़ सकता है, बताइए कमेंट करके, कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस देश के राजदूत रह चुके थे, बताइए कमेंट करिए, मुझे बताइए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस देश के राजदूत रह चुके थे, और KR नारायण यह भी राजदूत रह चुके थे किसी देश के राष्ट्रपति बनने से पूर्व, बताइए किस देश के, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे बताइए।
तो मैंने राष्ट्रपति में आपको जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो लगभग लगभग बता दी। मैंने ओथ बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, इम्पीचमेंट प्रोसेस बता दिया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बता दिया, इसके अलावा आर्टिकल 71 मैंने आपको बता दिया, सीट खाली होगी उस दशा में क्या करना ये भी मैंने आपको बता दिया, कुछ और मेरे ख्याल से जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने नहीं छोड़ा अभी, ठीक है। शक्तियाँ भी मैंने आपको जो मुझे लगा कि आपके यहाँ पूछी जा सकती वो मैंने बता दी, ठीक। याद रखिएगा जिस प्रकार से आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है, उस प्रकार से आर्टिकल 161 कहता है राज्यपाल को समाधान की शक्ति है। बस मूल अंतर क्या है, मूल अंतर ये है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं कि वह फांसी की सजा को माफ कर पाए, ठीक है, ये याद रखिएगा मेन ये। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने राष्ट्रपति की वीटो पावर नहीं बताई, तो अभी आपको नहीं बताएंगे, जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तब मैं आपको राष्ट्रपति की वीटो पावर बताऊंगा, अभी नहीं बताना, ठीक। अध्यादेश मैंने आपको बता दिया, कुछ और अगर छूट गया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। अब उपराष्ट्रपति पर आते हैं, मुख्य पॉइंट उपराष्ट्रपति की क्या, बस आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है जो जनरली कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाती है, ये मैंने भी किसी चैनल से ही पढ़ी होगी, ये शॉर्ट ट्रिक है, उसका निकास शनि है, उसका निकास निकास शनि है, उसका निकास शनि है। अगर आपको यह याद रहेगी शॉर्ट ट्रिक, उपराष्ट्रपति आपका एक सांस में ख़त्म होता है, बस ये याद करने की देर है, उसका निकास शनि है। तो आप कहेंगे एक सांस में कैसे खत्म, मैं खत्म करता हूँ, देखो ऊ का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, सा का उस का पूरा लिख लेते हैं, नी का स श नी, बस हाँ का कोई मतलब नहीं है, उसे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सा का मतलब समय दिया है, उसका क्या समय होता है, सॉरी सा का मतलब सभापति, सभापति का मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति चेयरमैन होगा, आर्टिकल 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होगा। का मतलब होता है कार्य, राष्ट्रपति का कोई, उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता, राष्ट्रपति की जब मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अथवा अगर राष्ट्रपति कुछ इसको काम सौंपेगा तो उपराष्ट्रपति उस कार्य को करेगा, लेकिन कार्य के रूप में अगर मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, यह उसका कार्य है। नी का मतलब होता है निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ दी उपराष्ट्रपति, निर्वाचन का मतलब उपराष्ट्रपति का चयन कैसे, निर्वाचन कैसे किया जाएगा, तो आपको याद रखना है संसद के सभी लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के सभी लोग, सभी का मतलब इलेक्टेड निर्वाचित एज वेल एज मनोनीत, मनोनीत जो लोग हैं वो दोनों, ठीक। अगले का मतलब है कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, अच्छा मैं बताना भूल गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होता है। राष्ट्रपति भारत देश का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, उपराष्ट्रपति भारत देश का उपराष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, ठीक। सा का मतलब इस मैंने यहाँ पर आपको सा का मतलब है समय, कोई समय निर्धारित नहीं है, समय का मतलब अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो चुनाव कब कराना पड़ेगा, कुछ दिया नहीं है संविधान में। अगले शाह का मतलब होता है शपथ, इस शपथ का मतलब है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और इसका अनुच्छेद है 69। और नी का मतलब निर्वाहन, आर्टिकल 70 कहता है उन दशाओं में जब राष्ट्रपति की मृत्यु होगी तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। तो मैंने आपको बताया ऊ का मतलब आर्टिकल 63, सा का मतलब आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, नी से आर्टिकल 66, का मतलब आर्टिकल 67, सा का मतलब आर्टिकल 68, शाह का मतलब आर्टिकल 69, शपथ कहाँ पर दी हुई है आर्टिकल 69 में। आप 63 से शुरू करिए, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, नी तक आर्टिकल 70 तक कंप्लीट हो गए हैं, उपराष्ट्रपति आपके खत्म हो गए, समाप्त। बस क्या याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है लेकिन वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, बस इतना याद रखना है आपको, बाकी खत्म। शपथ मैंने आपको बता दी, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाते हैं, ये जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बता, अभी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी, ठीक। और ऐसे अकेले राष्ट्रपति, इनका नाम है कृष्णकांत, यह ऑफिस के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका नाम है कृष्णकांत, ठीक है, खत्म हो गया उपराष्ट्रपति भी, खत्म हो गया आपका, एक चुटकी बजाते उपराष्ट्रपति खत्म हुआ। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे, प्रधानमंत्री कैसे पढ़ना है, देखिए प्रधानमंत्री कैसे पढ़ना है, प्रधानमंत्री में बेसिकली आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78, यही 3 आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। 74 आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करेगी, सलाह देगी, अनुच्छेद 74 खत्म हो गया।
अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, एड एंड एडवाइस करेगी। इट शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर एंड इट विल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 खत्म। तो आप कहोगे मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो मैं कहूँगा थोड़ा रुक जाओ, मैं बताता हूँ अभी मंत्रिपरिषद में अभी बताऊँगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 कहता है, आर्टिकल 75 कहता है कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति, ई शुड बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑन दी विल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में, और लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसका मतलब अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद का नेता, लीडर कौन, चेयरमैन कौन, प्रधानमंत्री अगर मरेगा तो बाकी मंत्रिपरिषद के लोगों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब प्रधानमंत्री अगर कहीं डूबेगा तो बाकी मंत्रिपरिषद के लोगों को भी डूबना होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, जबकि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक, फिर कहोगे आर्टिकल 78 क्या चीज़ है, तो मैं कहूँगा अनुच्छेद 18 में लिखा है, ये देखिए चैनल बना है, इधर बैठे हैं पीएम, इधर बैठे हैं इधर बैठे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब इधर बैठा मंत्रिपरिषद, इधर बैठे हैं राष्ट्रपति और बीच में बैठा है यहाँ पर पीएम। कहोगे ये क्या बताना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य, मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के मध्य संवाद स्थापित कौन करता है, तो वो व्यक्ति है प्राइम मिनिस्टर। यही है आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78 संवाद स्थापित करने वाला अनुच्छेद है। ठीक है, आप कहोगे मंत्रिपरिषद तो अभी भी नहीं बताई, तो मैं अब बताऊंगा आपको मंत्रिपरिषद। मैंने आर्टिकल 74 बता दिया, 75 बता दिया, 78 बता दिया, फिर से सुनिएगा, धीमे धीमे सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आप कहेंगे व्हाट इज मंत्रिपरिषद, तो मैं कहूंगा देखो ये, देखो बेटा ये है बड़ा गोला मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये छोटा गोला है मंत्रिमंडल कैबिनेट। आप कहेंगे समझ में तो तब भी नहीं आया, तो मैं कहूँगा कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होती है। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्रालय आ जाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में मुख्य मुख्य पोर्टफोलियो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मैं कहूँ तो एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमी वाले जो हैं वो सारे मिनिस्ट्री, सब चीज़ें इस कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब कैबिनेट मंत्रिमंडल के अंतर्गत कार्य करेंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूँ छोटा पटाखा बड़ा धमाका, तो कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल है मंत्रिपरिषद की तुलना में, मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप कहेंगे निर्धारित कैसे हुआ कि मंत्रिपरिषद में कितने मेंबर होंगे, कितने मंत्री होंगे, तो मैं कहूँगा मंत्रिपरिषद में अपने लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं हो सकते। आप कहेंगे आपको कैसे पता, तो मैं कहूँगा 91 संविधान संशोधन मुझे ऐसा बताता है। 91 का मतलब 91 संविधान संशोधन मुझे ऐसा बताता है कि मंत्रिपरिषद में जो टोटल मंत्री होंगे उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लिख दिया गया, बता दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, तो मैं कहूँगा भारत का प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह अंगूठा छापो चलेगा, पढ़ा लिखा ना हो चलेगा, इवन वह किसके संसद का सदस्य ना हो तो भी चलेगा। मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस शर्त ये है कि वह अंगूठा छापे तब भी प्रधानमंत्री बनेगा। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है तो कोई भी बन सकता है, बस शर्त ये है कि अगर वह संसद का मेंबर सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता को ग्रहण करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर। क्लियर, 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता को ग्रहण कर ले अगर वो, तो वह संसद प्रधानमंत्री बना रहेगा। इवन कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है, जिस पार्टी ने उसे अपना लीडर चुन लिया है मान लो, वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है, उसे नियुक्ति के बाद 6 माह के अंदर किसी भी सदन का मेंबर सदस्य बनना होगा। ठीक, आप कहोगे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है। आप कहेंगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो मैं कहूँगा एज सच नॉट डिफाइंड, प्लेजर टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट,
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, या फिर मैं मोटे शब्दों में कह दूं तो मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जब तक बहुमत है तब तक है जान, तब तक है जान, तब तक है जान। बहुमत है तो जान रहेगी, बहुमत है तो बसंती नाचेगी, और बहुमत नहीं है तो नहीं नाच पाएंगे। भाई सीधी सी बात। तो आप कहोगे इसका मतलब अगर बहुमत एक साल बाद गिर गया तो मैं कहूंगा एक साल बाद गिरा तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक ही साल हुआ। सामान्यतः मैं बोल सकता हूं कि सामान्यतः 5 साल है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कहूं तो मैं कहूंगा टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या और स्पेसिफिक कहूं तो मैं कहूंगा जब तक बहुमत है तब तक जान रहेगी, बहुमत खत्म, प्रधानमंत्री का कार्यकाल वहीं पे खत्म, एबॉलिश हो गया। आप क्वेश्चन पूछोगे अगर प्रधानमंत्री मर गए तो मैं कहूंगा अगर प्रधानमंत्री मर जाते हैं उन दशाओं में राष्ट्रपति एक कन्वेंशन को फॉलो करता है। क्या कन्वेंशन है? यह एक कन्वेंशन है जो कहती है कि जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तुरंत राष्ट्रपति, जो सबसे बड़ी मेजोरिटी पार्टी है जो उस वक्त लीड कर रही है, उसके द्वारा चुने हुए नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगी। या यह भी हो सकता है, इस कन्वेंशन को तोड़ दिया गया किस प्रकार, या फिर यह भी हो सकता है कि वह राष्ट्रपति किसी केयरटेकर व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दे, जो केयरटेकर मतलब केयरटेकर करेगा तब तक केयर करेगा, कब तक करेगा केयर, जब तक नया प्रधानमंत्री चुनकर नहीं है, मतलब नया प्रधानमंत्री लीडर का मतलब जो सामने पार्टी है वो जब तक अपना नेता नहीं चुन लेती जो कि उसका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, तब तक वह केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल गुलजारी लाल नंदा का आपने नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू मरे, गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जैसे ही लीडर के कांग्रेस के लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने, तुरंत गुलजारी नंदा को हटा दिया गया और लाल बहादुर शास्त्री पद पर बैठ गए, ठीक है। लेकिन यह कन्वेंशन बाद में तोड़ दी गई, यानी जेल सिंह के द्वारा। इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी को उठा के तुरंत प्राइम मिनिस्टर के रूप में घोषित कर दिया गया, बाद में कांग्रेस उनको अपना दल का नेता मतलब लीडर चुनती रह गई। तो ये कन्वेंशन है जो बदल जाती हैं, जो बदली गई हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर के बारे में। एक और मुख्य बिंदु आपको याद रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री राज्य की जो अंतर्राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल है उनका भी अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्य परिषदों का भी अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री ऑल इंडिया बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इनका भी इसका भी अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का भी अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का भी अध्यक्ष होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का भी अध्यक्ष होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इन सब का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है बाय डिफॉल्ट। अपने पद पर आने से ठीक बाद यह इन संस्थाओं का बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष बन जाता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर ही है। तो मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दिया। अगर फैक्ट जानना तो फैक्ट के रूप में याद रखिए कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा नवे शेड्यूल को संविधान में जोड़ दिया गया, उस वक्त प्रधानमंत्री थे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चीज़ को याद रखिएगा, IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर मैं बोलूँ कि अब तक ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनके नाम है MNC VPH, या फिर मैं कह दूँ मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव और HD देवगौड़ा। ऐसे 6 मुख्यमंत्री हैं जो भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, मतलब मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे 6 लोग कौन है? MNC VPH, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से दिक्कत करेगा नहीं कुछ भी। तो हम लोगों ने आर्टिकल 74 पढ़ लिया, 75 पढ़ लिया, 78 पढ़ लिया, प्रधानमंत्री कौन हो सकता है ये पढ़ लिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बस शर्त ये है कि वह भारत का नागरिक हो और वह किसी भी सदन का मेंबर 6 माह के अंदर बन जाए। सिंपल सी बात। हो सकता है आपसे कोई पूछ दे मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो देखिए, जब मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाऊंगा ना, लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता और राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता बताऊंगा, तब मैं आपसे बताऊंगा कि लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता है 25 साल और राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता है 30 साल। तब हम बातें करेंगे, अभी नहीं। आज हमने राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए और हमने प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं। कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने जो महत्वपूर्ण छोड़ दिया हो। तब भी आपको लगता है कि आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, नहीं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कल से मेरे दिमाग में है कि मैं लाइव आ जाऊँ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा ये कि मैं आपके सामने रह के आपको पढ़ा पढ़ू दूँ, खत्म कर दूँ, सामने बोलता जाऊँ, आप लिखते जाना, खत्म कर लेना उसमें बैठे बैठे, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। कहानी सुननी है आपको, कुछ करना नहीं है। बाकी आप कमेंट करके विचार अपने दे सकते हैं कि क्या ये लाइव सुटेबल है, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसी प्रकार आपको बताता रहूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और विशेष कर दूँ आपके लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, नोट्स के लिए कुछ लोग मुझे पता परेशान होंगे, सर नोट्स दे दीजिए।
हर चीज़ नोट्स में ही पढ़ते रहोगे तो फिर करोगे क्या? कुछ से कुछ अपने से भी लिखो। इतना प्यार से चीज़ों को बता रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ें छूट नहीं रही हैं, तो आप खुद से भी कुछ कर लो तो ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से रहेगा। नोट्स खुद से पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो मेरे पास PDF है करंट अफेयर की, सर तो उत्कर्ष सर तो दे ही रहे, प्रोवाइड करा ही रहे हैं, जो मेरे पास PDF होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप BO के चल रहे हैं, RO के चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन करिए, आपको फ़ायदा होगा, बाकी आपका भविष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।